क्या हो रहा है? केक कटिंग करके सबको दे दी हूँ। हारून का हाफ ईयर बर्थडे था तो बस हो गया है। आज हारून ने 6 महीने कंप्लीट कर लिए। हाँ, तो उसके लिए उसका अन्न प्रसारण किया था हमने, राइस सेरेमनी। हाँ, पहली बार खिलाना जो कि मामू के हाथ से खाया जाता है, तो उसके मामू आए थे तो हमने कहा चलो आज ही करा देते हैं का, है ना। तो बस अभी सबको केक कटिंग करके दूंगी। भाभी गई रेडी होने के लिए, थोड़ी देर में वो भी निकल जाएंगी। साथ साथ भाभी की हो रही विदाई। भाभी की विदाई हो रही। आ जाओ रैन, चलो चलो चलो, इधर आ जाओ। चलो। तो गाइस केक कटिंग हो गया है और बस अभी भाभी अपनी तैयारी कर रही हैं क्योंकि उनको भी निकलना ही है, और निकलते निकलते जो शाम ही हो जाएगी, दोपहर के 3:30-4 बजे का करीब टाइम हो रहा है। बेली जा रहे है, बेबी जा रहा है, छोटा बेबी जा रहा है। छोटा बेबी जा रहा है, बेली बड़ा बेबी हो गया अभी। हैं पन्नी लो, ये रख देना पन्नी। बेली को ले जा रही हूँ। इतना प्यार बेली से याद आएगी बेली को। भगना जाए वो लटकी वो चौकी कर ली। चौकी नहीं मत दो, उसने अभी अली खाई है। अभी जस्ट खाई है उसने। वो तो लो आपके बाद अरे जा रहा है भैया, जा रहे हो आपके लिए और रखी है। मेरे पास है अरे मैं यार पकड़ मैं देखता हूं पापा मेरे पकड़ना। मम्मी क्या देख रही है? देखा कर रही है अरुण की याद आएगी। अभी भी चूना जा रहा है। मम्मी किसन जाना है, क्या हमारे जाना है? मम्मी थोड़ी ना जा रही है। मम्मी चलो निकल जाना उनको। चलो चलो बेबी जा रहा है, बेबी से बाय तो कर लो। आज सोया नहीं है ना? सोया नहीं ना, बहुत देर से सोने को कर रहा था, केक नहीं काट पाते फिर अपन। तो गाइस भाभी चली गई हैं अपने घर अपने मायके, और बस अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं। देख ही रहना आप लोग, बैलून्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी करने का कम मन नहीं कर रहा है। और हम लोग सोच रहे थे कि इसको अच्छे से लगाएंगे, लेकिन अभी मतलब फॉल सीलिंग वगैरह अभी नहीं हुई है, तो फिर सोचा कि चलो यार नहीं चिपकाते वरना ख़राब हो जाएगा सब कुछ, तो इसलिए हमने बैलून्स नहीं चिपकाए थे। वरना हम सोच रहे थे कि अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, तो बस ऐसे ही फुला करके और इनको ऐसे ही छोड़
दिया था और इस तरह से जो है ना बंच बना बना करके लगा दिए थे। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कुछ ऐसा यहाँ पे बंच बना कर लगा दिए हैं और कुछ बैलून्स नीचे बेड पर पड़े हुए हैं, कुछ ज़मीन में पड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पर हुरैन खेल रही है बैलून्स के साथ में, क्योंकि बच्चों को बैलून्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ना। देखो अजीब सा लग रहा है, घर खाली खाली सा हो गया एकदम से, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग यहीं पे ही नहीं, सामान रखा हुआ है, खाली नहीं लग रहा। नहीं नहीं, सामान तो रखा है, मतलब एक पर्सन के जाने से भी कितना खाली खालीपन लगता है ना, अकेलापन। तो अकेलापन, हाँ अकेलापन लगता है। तो सब लोग बस अभी बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं, अभी काम धाम कुछ भी नहीं किया है। सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सारा किचन वैसे पड़ा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं और ये देख रही है अपना टैब। सुबह से क्यों परेशान कर रही है तुम्हें? आज ये सुबह से इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि ये सुबह से देख रही है, क्योंकि मैं लगी हुई थी कुछ कुछ कामों में। पहले मैंने कपड़े धोए, फिर उसके बाद खाना पीना जो भी था, सारी चीजें करना। तो आज सारा ही दिन जो है मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया है। तो ये सुबह से टीवी में, अब जाके ये टेबलेट में लग गई है। तो इसका दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, अजीब सा। अब मैं इसको बंद करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ थोड़ा सा, तब थोड़ा सा ठीक होगी, वरना ऐसे ही रहेगी चिड़चिड़ी। आज सुबह तुम 5 बजे की उठी हुई, जब से 5 बजे की उठी है ना, कितने बजे? हाँ। अब मैं जिस दिन जल्दी उठ जाती हूँ, मेरा सर इतना ज्यादा दुखता है ना, बहुत ज्यादा दुखता है फिर। और आज पूरे दिन लेट भी नहीं पाया, आराम भी नहीं हो पाया, तो इस चक्कर में और ज्यादा। बिस्किट खा लो। नहीं, तो गैस बच्चों के खेलने के बाद मैं भी बच्ची बन गई हूँ, मेरे अंदर का भी एक छोटा सा बच्चा जाग चुका है। जी हाँ, मतलब बच्चे बैलून्स के साथ में खेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि चलो यार हम भी खेलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बैलून्स थे, तो मुझे ना कुछ बच्चों को भी देने दे बाहर, मतलब जो भी बच्चे रहते हैं हमारी कॉलोनी में, तो वो बैलून्स लेने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भी हम लोग दे देते हैं। जब भी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तब, तो उनको ही दे देते हैं सारे, वरना ये ना रखे रखे ख़राब भी हो जाते हैं, फूटने लग जाते हैं अपने आप से। तो बस चलिए अब काम पर लग जाते हैं, क्योंकि सारे दिन पड़े पड़े भी अच्छा नहीं है ना। तो अभी शाम की चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद काम पे लगते हैं। सारा किचन साफ़ करना है, सारी चीज़ें साफ़ करनी है, बलून्स वगैरह बच्चों को देने हैं, मतलब पूरा क्लीन ही करना है घर को। जब भी कुछ भी छोटा सा भी कुछ भी करो ना, तो इतना ज़्यादा किचन फैल जाता है, और ऊपर से डेकोरेशन वगैरह करो तो उसके बैलून्स के फूटे हुए जो भी वो होते हैं बैलून्स, तो वो मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से झाड़ना झूड़ना पड़ता है। तो अभी पहले तो चाय पियेंगे, थोड़ा सा अपने आप को जो है रिकवर करेंगे, है ना। मतलब आज थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है मन, तो मन को ठीक करते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद काम पर लगेंगे।
यहाँ पर अभी मैंने हम तीनों चारों लोगों के लिए चाय बना ली, क्योंकि जैकी भाई भी थे आज, तो बस वो भी पियेंगे। और ये एक मेरा कप, एक मम्मी का, एक जैकी भाई का। तो अभी हम सब लोग बैठ कर के चाय पीते हैं, आप लोग भी आ जाएं। और चाय ना ऐसे खाली नहीं पी जाती है मुझे, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी बिस्किट कभी टोस्ट। टोस्ट तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन बिस्किट से ही मैं ज़्यादातर चाय पीती हूँ। तो ये हमारे भोपाल से जो लाए हुए टोस्ट रखे हुए थे, ये बहुत दिन हो गए थे और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, तो सोचा चलो इनको ही करते हैं ख़त्म, वरना ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस अभी यहाँ पर टोस्ट वगैरह ले लिया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये वाला टोस्ट हमारे मुरैना में भी मिलने लगे हैं अब, मतलब पहले नहीं मिलते थे, गुना में और भोपाल में ही ज़्यादा मिलते थे, अब यहाँ पर भी मिलने लगे हैं। ये बनाया मैंने चिकन, मतलब बॉईल किया है हमारी बैली के लिए, वो चिकन खाती है, तो बस अभी मैंने उसके लिए दो पीस बॉईल करके रख दिए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं उसको खाना भी दूंगी, खिलाऊंगी उसको खाना, क्योंकि आज उसने सारा दिन ही जो है फूड खाया है अपना, तो आज उसने चिकन नहीं खा पाया था, आज चिकन देंगे उसको। और यहाँ पर पापा को चाय दे रही हूँ, टोस्ट दूंगी, फिर चलते हैं आगे, आगे बैठ करके आराम से चाय पियेंगे, बातें करेंगे, है ना। खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ रखा हुआ है, किसी का मन ही नहीं है खाने का, मन ही नहीं हो रहा है कल से खाने पीने का। कल भी हमने रात में खाना नहीं बनाया था, दोपहर में जो भी बना था वही था, पुलाव और वही जर्दा, तो हमने वही खाया था, फिर खाना बनाया ही नहीं। और आज भी सुबह का बना रखा है खाना, वो भी सब रखा हुआ है, तो देखेंगे। अभी पहले बर्तन को साफ करती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक। आ गई हाल ऊपर से, मैं आ रही थी ऊपर ही, अच्छा लाइट नहीं होगी ऊपर इसलिए, हाँ इसलिए ये आ गई। अगर मैं जा रही थी इसके पास और ये मेरे पास आ गई नीचे। चलो ये क्यों चल रहा है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो चलिए गाइस, यहाँ पर चल रही है मामू और भांजी की मस्ती, एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं पॉपकॉर्न, बनाना भी खिलाया जा रहा है साथ ही में। सो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।